हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, कुछ पॉजिटिव व्यू। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप लॉन्ग टर्म के शेयर सर्च कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे शेयर्स का कलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा पावर की, पिछले एक साल में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर लगभग 180% की यहाँ पर टाटा पावर ने रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, अगर हम पॉइंट वाइज अगर देखें तो जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की ओर से, तो वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मार्च 2021 में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 47 है, और अगर आप जस्ट 1 ईयर बैक देखेंगे या मार्च 2020 के अंदर, तो आप देख सकते हैं लगभग 10% यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। पिछली बार 37.22% थी, तो यहाँ 9% से ज़्यादा यहाँ प्रमोटर्स ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी में पिछले एक साल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर्स का जो व्यू है काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी की तरफ। तो ये हम कह सकते हैं ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की ओर। दूसरा, अगर हम पॉजिटिव व्यू देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं शानदार यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। हालांकि यहाँ पे अगर आप ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज में यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 20 के बाद, 2020 के बाद यहाँ 21 में भी आपको शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद जो थर्ड बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखोगे तो टाटा पावर के फुटप्रिंट इन द सेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर है वो सोलर एनर्जी का है। तो टाटा पावर इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में सोलर के क्षेत्र में यहाँ पर टाटा पावर लीड कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेट वाइज यहाँ पर टाटा पावर की प्रेजेंस यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र, पंजाब एंड तेलंगाना स्टेट में यहाँ पे कंपनी के सोलर के प्लांट है। उसके अलावा कंपनी के यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1,705 मेगावाट सोलर जनरेशन की यहाँ पे कैपेसिटी है कंपनी की, और हाल ही में कंपनी ने लगभग 100 मेगावाट का सोलर प्लांट है वो इस्टेब्लिश किया है। तो हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी के पक्ष में ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट आपने देखा, शेयर होल्डिंग कंपनी में कंटिन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कंपनी के जो हम देखेंगे पिछले क्वार्टर वाइज काफ़ी अच्छी हुई है, और उसके अलावा कंपनी का सोलर सेक्टर में काम करती है तो कंपनी का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, फ्यूचर काफ़ी बेहतरीन। तो दोस्तों, टाटा पावर हम कह सकते हैं फ्यूचर काफ़ी अच्छा, और आने वाले टाइम के लिए आप इसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल खरीद सकते हो। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी आपको इसके अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी शेयर को खरीदने, बेचने और होल्ड करने की सलाह नहीं देता।